और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार जिले में कोरोना संक्रमण से बचाने दो बड़े अस्पतालों में सैनिटाइजर टर्नल की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य अमला और मरीजों को मिला राहत, देखिए पूरी रिपोर्ट। घातक वायरस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले के दो बड़ी अस्पतालों में सैनिटाइजर स्प्रे टर्नल लगाया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी रामन और हिरमी के सौजन्य से जिला अस्पताल बलौदाबाजार और शिवनी अस्पताल भाटापारा के मुख्य प्रवेश द्वार पर इसे स्थापित किया गया है। सैनिटाइजर ने आज से काम करना शुरू भी कर दिया है। फुहारों के रूप में सैनिटाइजर इससे निरंतर निकलते रहता है, जिससे इनसे होकर गुजरने वालों के संपूर्ण शरीर पर यह पड़ता है। लगभग 10 से 15 सेकंड में अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। खासकर स्वास्थ्य अमला जैसे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन पर इसे लगाया गया है। गौरतलब बात है कि इन दिनों प्रमुख अस्पतालों में हजारों की संख्या में रोज शासकीय स्वास्थ्य अमला और लोगों का आना जाना हो रहा है। जिला अस्पताल को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड अस्पताल भी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। इस क्रम में जिले के दो प्रमुख शासकीय चिकित्सालयों में प्राथमिकता के साथ इसे लगाया गया है। कलेक्टर ने अस्पताल आने जाने वाले हर व्यक्ति को इस टर्नल से होकर गुजरकर अस्पताल में प्रवेश करने को कहा गया है। टर्नल के सामने सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों पर निगरानी रखा जा सके। बलौदाबाजार से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।